हेलो। यस मैम। अब आ रही है आवाज? यस मैम, हमें आ रही यस है। मैम। अच्छा नो ठीक, मैम, अभी मुझे तो नहीं नहीं। आ रही है आपकी आवाज। मुझे भी नहीं आ रही है। मुझे हेलो, क्लियर नहीं आ अभी रही है। अभी आ रही है आवाज आप लोगों को? यस मैम, यस अब आ यस रही है। मैम, अब यस आ रही है, मैम, आ अब आ रही रही है। है। ठीक है, नेटवर्क का इश्यू है थोड़ा। So, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फैक्ट्रीज जो है वो कहाँ पे स्टैब्लिश हुई और फ्लोरिश किस तरह हुई और कौन से ज्यादा प्रोडक्शन इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब ब्लूम करने लगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, हु इज दिस? सहरिश म्यूट कीजिए, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द होल क्लास? सो अगर हम बात करें फैक्ट्रीज की, तो सबसे पहले इंग्लैंड में एस्टैब्लिश हुई थी फैक्ट्रीज, एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हुई थी बाय 1730। ठीक है, उसके बाद जब हम लेट 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, यानी अगर हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम 17 के डेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट 18th सेंचुरी का मतलब 1780s की बात हो रही है या 1760s की बात हो रही है। ठीक, सो यहाँ पे हमने देखा कि जो फैक्ट्री है वो मल्टीप्लाई होने लगी, यानी पहले एक स्टैब्लिश हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो इस तरह जो है फैक्ट्रीज का जो दौर है वो मल्टीप्लाई होने लगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होने लगी। और सबसे ज्यादा जो एरा था, एरा का मतलब होता है जहाँ पे, जैसे कि आज जो भी फैशन होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके जो कपड़ों का फैशन होगा वो ज्यादा चलेगा, तो ट्रेंड चेंज होता है, तो जो भी ट्रेंड होता है उसकी ज्यादा डिमांड होती है। तो उन दिनों कॉटन का ज्यादा एरा था, एरा का मतलब वो दौर ही कॉटन का था, ज्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता था, रॉ कॉटन। ठीक है, तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो लेट 19th सेंचुरी या लेट 18th सेंचुरी में ज्यादा से ज्यादा बूम करने लगी। बूम का मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती थी। तो अगर हम बात करें 1760s की, यानी 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो जो रॉ कॉटन 2.5 मिलियन पाउंड्स का इंपोर्ट होता था कॉटन इंडस्ट्रीज में, अब वो 1787 में 22 मिलियन पाउंड्स का हो रहा है, यानी पहले 2.5, अब 22 मिलियन पाउंड, यानी डबल से भी ज्यादा डबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखने को मिली कि एक चेंज, ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे ये चीजें क्यों चेंज हुई? पहले हमने देखा जो मर्चेंट्स थे वो कंट्री साइड में जाते थे, ऑर्डर देते थे वर्कर्स को, फिर वो फिर से आते थे, फिर और एडवांस प्रोवाइड करते थे। पहले एक स्टेप के लिए एडवांस देते थे, यानी विनिंग के लिए, स्टेपलिंग के लिए पहले एडवांस देते थे, उसके बाद वो दूसरी चीजों के लिए एडवांस देते थे, यानी फुलर को देते थे, देखा ना हमने। उसके बाद स्पिनर पे वो घुमाता था धागा, धागे को नरम बनाता था, फिर बुनता था, फिर डाइंग होती थी। तो इस तरह जो मर्चेंट्स होते थे वो मैनुअली काम करवाते थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अब जब फैक्ट्रीज आई, जब इंडस्ट्रीज आई, जब फ्लोरिश करने लगा, ठीक है, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है प्रोडक्शन की वो चेंज हो गई, वो बढ़ने लगी, क्योंकि पहले काम मैन्युअली होता था, हाथ से होता था। ठीक है, अब जब इंडस्ट्रीज है या जो फैक्ट्रीज है, तो सीधी सी बात है इसमें मशीनरी होंगी, सीधी सी बात है इन्वेंशन होती होंगी, तो ये जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो काफी चेंज हुआ और एक तरह की स्पीड हमें देखने को मिली। ठीक है, तो सीरीज ऑफ इन्वेंशन देखने को मिली, यानी बहुत सारी इन्वेंशंस हुई, बहुत सारा जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस हुआ करता था, धागे को पिरोना, धागे को रोल करना, कार्ड करना। ठीक है, तो ये जो सारे स्टेप्स थे इसमें काफी सारी चेंज आई और ईच स्टेप पे एक एफिशिएंसी आई, एक मतलब मानो एक तेजी देखने को मिली।
ठीक है, और ये जो आउटपुट था जो वर्कर हमें देता था वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगा, ठीक है, वो प्रोड्यूस करने लगे मोर गुड्स, मोर प्रोडक्शन होने लगी, ठीक है। ये जो थ्रेड्स थे, ये जो यॉन थे, जो धागे थे, ये ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल होते गए कि अब ज्यादा से ज्यादा चीजें बनेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल जल्दी जल्दी बन रहा था, तो पॉसिबिलिटी होगी कि ये जो चीजें है, प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो पहली जो मतलब कॉटन मिल किसने एस्टैब्लिश की थी, रिचर्ड ऑकराइट, ठीक है, इनका नाम था रिचर्ड ऑकराइट, जिन्होंने क्रिएट की थी कॉटन की मिल, ठीक है। एंड देन यह आपका कंसर्न ही है बेसिकली आपका कंसर्न यहाँ पे है कि ये फ्लोरिश कैसे होती गई। तो विद इन टाइम हमने देखा कि जो प्रोडक्शन है वो ऑल ओवर कंट्री साइड, चाहे कंट्री साइड हो चाहे टाउन्स हो, ये फैलती गई। जो मतलब हाउस होल्ड, जो लोग काम करते थे, मतलब घर का काम करते थे, जो अब कहाँ पे होते थे, घर पे, एक मैंने कॉटेज बोला था, एक कॉटेज फार्म बना के रखा था घर पे, क्योंकि सारे सारे मेंबर्स क्या करते थे, एक मर्चेंट के लिए काम करते थे। लेकिन अब हमने देखा कि जैसे ये मशीनरी आई, नई मशीन्स आई, वो काफी कॉस्टली भी थी, ठीक है, उन्हें परचेज करना सबकी बस का बात, मतलब सबकी बस की बात नहीं थी। अब देखो ये जो आपको लगेगा कि नई नई कॉटन इंडस्ट्रीज आई, नई नई प्रोडक्शन हुई, तो क्या ये जो कॉटेज फार्म्स थे ये बंद हुए? नहीं, ये बंद नहीं हुई, क्योंकि मैंने बोला ये कॉस्टली होते थे। मतलब फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करना कोई मजाक की बात नहीं थी, वो भी उन दिन, ठीक है। सेकेंड चीज, वहां पे जो इंडस्ट्रीज होती थी, वहां पे जो इन्वेंशंस होते थे, जो मशीन्स होती थी, वो भी काफी मतलब कॉस्टली होती थी, उनको सेटअप करना सबके बस की बात नहीं थी। तो ऐसा नहीं था कि जो कॉटेज फार्म्स थे, जो कंट्री साइड पे हमने खोले थे, वो बंद होते गए। लेकिन अब देखो हर एक का क्या होता है, हर एक का अलग अलग एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। अब इसका डिसएडवांटेज ये था कि कॉस्टली था, लेकिन सबके बस की बात नहीं थी, लेकिन इसके भी अपने फायदे थे, ठीक है। अब अपने फायदे कैसे थे, अब सोचोगे कि किस तरह ये फायदेमंद था। फायदेमंद था कि पहले ही प्रोडक्शन लार्ज बेस पे होती थी। सेकेंड, पहले जो मर्चेंट होता था उसे जाना पड़ता था, ऑर्डर देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये जो मर्चेंट्स है, जो मतलब परचेज कर सकते हैं कोई भी मशीन, या एस्टैब्लिश कर सकते हैं कोई भी फैक्ट्री, उनके लिए ये अच्छी बात थी कि वो मतलब आंखों के नजरों के सामने काम हो रहा है, सुपरवाइज कर रहे हैं लोग वर्कर्स को, खुद देख रहे हैं कि काम किस तरह हो रहा है, ठीक है। तो एक रेगुलेशन ऑफ लेबर देखने को मिला, यानी ये जो लेबर है ये कम हो रहा है, क्योंकि इन्वेंशन हो रही है, अच्छी अच्छी मशीन आ रही है, तो मजदूर अब कम लगेंगे। अब ये जो मर्चेंट्स है इनका पैसा भी बच जाएगा, इनको मजदूर को ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि इन्होंने पहले इन्वेस्ट किया है मनी किसमें, मशीन्स में, ठीक है। सो जो मतलब कंट्री साइड जो थे, यानी जो मजदूर थे कंट्री साइड में, जो आर्टिशंस थे, उनके लिए शायद मतलब ये डिफिकल्ट थी, क्यों? क्योंकि एक तरह का कंपटीशन देखने को मिला, जो मतलब जो इन्वेंशंस कर रहे थे, बड़ी बड़ी मशीन्स ला रहे थे, उसमें अपना प्रोडक्शन तैयार कर रहे थे, उनके बीच में और इनके बीच में एक टफ कंपटीशन था, क्योंकि ये मैन्युअली काम कर रहे थे, ये लोग हाथ से काम करते थे, ठीक है। अब जिस तरह इंडस्ट्री बढ़ती गई, हमने देखा कि 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में ये जो इंडस्ट्री है वो बढ़ती गई, और ये जो इंग्लिश लैंडस्केप है, यानी इंग्लैंड की जमीन पे हम सिर्फ फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज देखने को मिल रही है, यानी कि इंटीमेट पार्ट बन गया इंग्लिश लैंडस्केप फैक्ट्रीज, ठीक है। सो नई नई मिल्स, मतलब नया नया पावर, न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिली, और इनका जो कंसंट्रेशन था वो ज्यादा से ज्यादा मिल्स पे था। ये लोग मतलब नहीं देखते थे बायलेंस, जो बायलेंस का मतलब, दे फॉरगॉटिंग द बायलेंस का मतलब, कि ये लोग पेस नहीं देख रहे थे कि जो कंट्री साइड है उन्होंने प्रोडक्शन ठीक से की या नहीं की, या हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक साथ हो, नहीं, ये वो भूल गए। इनका जो सारा कंसंट्रेशन था वो कहाँ पे था, मिल्स पे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने देखा कि इस पे ज्यादा फायदा है, लेबर कम हो रहा है, ठीक, और प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो ये जो प्रोडक्शन है, ये जो वर्कशॉप है, ठीक है, ये कंटिन्यू होती गई। अब कंट्री साइड पे अपना और टाउन साइड पे अपना होता गया, यानी पहले ये लोग इंटीग्रेशन में काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, अपना अपना हो गया, ठीक। सो अब एक इंडस्ट्रियल चेंज भी देखने को मिली। सेकेंड थिंग क्या था कि
कॉटन से लेकर मेटल्स तक, यानी पहले जो डायनेमिक इंडस्ट्रीज थी ब्रिटेन में, हमने देखा कि बहुत सारी डायनेमिक इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो गई. पहले हमने कॉटन का फेज देखा, कॉटन का फेज आया, सारे कॉटन में ही मतलब इन्वेस्ट कर रहे थे, कॉटन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे. एक दौर था कॉटन का, होता है ना किसी का दौर होता है, किसी चीज का दौर होता है. लेकिन उसके बाद वो उन्होंने चेंज किया, एक रैपिड पेस में चेंज आया. अब लोग मेटल्स के ऊपर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, आयरन या स्टील की इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. तो 1840s में हमने देखा कि स्टील की इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, आपको पता ही है रेलवेज आए, आपको पता है कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज आई. अब जब टेक्नोलॉजीज आए, अब जब रेलवेज आए, तो सीधी सी बात है हमें वो इंडस्ट्रीज भी चाहिए जो रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कर सके, यानी जो आयरन को प्रोवाइड कर सके, जो स्टील को प्रोवाइड कर सके. तो उन दिनों मतलब अगर हम 1873 की बात करें, तो ब्रिटेन में जो एक्सपोर्ट हो रहा था आयरन और स्टील, वो उसका वर्थ क्या, उसका कीमत, उसकी जो कीमत थी वो थी $77 million, यानी डबल वैल्यू जो कॉटन का था. ठीक है, जो कॉटन का था उसका डबल वैल्यू था. सेकंड फेज हमने देखा कि ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, क्या ये डिस्प्लेस हुई. अब देखो, आपको लगा ना कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या ये जो ट्रेडिशनल वे में जो भी इंडस्ट्रीज आ रही थी, ट्रेडिशनल वे जो ही पुरानी मैं बोल रही हूँ कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो क्या ये नई इंडस्ट्रीज इसको रिप्लेस कर पाई, नहीं कर पाई. मैंने पहले ही बोला क्यों, क्योंकि सारे सबकी बस की बात नहीं थी इतना मतलब टोटल कॉस्ट एक्सपेंड करना, टेक्नोलॉजी लाना, एडवांस इंडस्ट्री में स्पेंड करना पैसा, सबकी बस की बात नहीं थी. सेकंड थी, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, ये हमेशा अपने आप में डायनेमिक है, तो इनका जो प्रोडक्शन रहता है वो फैक्ट्रीज के अंदर नहीं, बल्कि वो डोमेस्टिक यूनिट्स पे, यानी जो घर वाले होते हैं ना, जो कॉटेज फार्म बनाते हैं, फिर वो बैठ के काम करते हैं. जैसे कि आज की भी मैं आपको थिंकिंग बोलूँ, अच्छा ज्यादा अथकाय में प्रेफरेंस दीवान, ना कि मशीन का. हम बोलते नहीं हाथ से बना हुआ बहुत अच्छा होता है, क्वालिटेटिव होता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है. तो उस टाइम पे भी कुछ इसी तरह का फेज था कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो कपड़ों की इंडस्ट्रीज थी, वो ज्यादा मतलब फैक्ट्रीज में लोग प्रेफरेंस नहीं करते थे फैक्ट्रीज में ज्यादा प्रोड्यूस करना, गुड्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे ये डोमेस्टिक यूनिट्स को कि आप हाथ से ही काम कीजिए. तो थर्ड हमने देखा कि यहाँ पे ये जो जितनी भी चीजें हो रही थी वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि उनको पता था कि ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है ये स्टैग्नेट नहीं हो सकती, ये रुक नहीं सकती है. क्योंकि पहली चीज, अब देखो पहली चीज क्या हो सकती है, ये जो मशीन्स आई, ठीक है, अब मशीन्स हमने लाई, लेकिन हमें नहीं पता है कि अगर मशीन खराब हो गई तो ठीक कैसे की जाए. अब यहाँ पे उसके बराकस आप देखो कॉटेज फार्म जो हाथ से काम कर रहे हैं, चलो अगर वो काम कर रहे हैं कभी हाथ में लग भी जाए तो वो अपने बदले किसी और को बिठा सकते हैं, यानी काम बंद नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे हम इन्वेंशन के मतलब एक डिसएडवांटेज देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर वो बंद हो रही है, मशीन बंद हो रही है, खराब हो रही है, लेकिन किसी को मैकेनिक्स नहीं पता है, नहीं पता है कि किस तरह मतलब इसको ठीक किया जाए. समझ आया. सेकंड, ये जो मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इनमें भी स्मॉल छोटे मोटे इंडस्ट्रीज, जो छोटे मोटे इन्वेंशन आई, ठीक है, जैसे कि हम देखे फूड प्रोसेसिंग की. फूड प्रोसेसिंग में आपने पिछले चैप्टर में देखा था कि वो जो एनिमल्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे मीट वगैरह के लिए, आपको याद होगा पहले वो जिंदा जानवर लिए जाते थे, तो वहां पे शिप पे ज्यादा जगह नहीं होती थी, माल काफी कम पहुंचता था, ठीक है. लेकिन उसके बाद इन्होंने जानवरों को काट के भेजना शुरू किया और इन्होंने फ्रीजर लगवाए शिप पे, ठीक है. तो ये हुई ना इनोवेशन, है ना. तो ये स्मॉल स्मॉल इनोवेशन, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग की मैंने बात की, या ग्लास वर्क की है, या फर्नीचर की, तो स्मॉल स्मॉल इनोवेशन इन्होंने भी की. अब इतनी लेवल की इन्वेशन नहीं की कि जितनी लेवल की बाकियों ने की, लेकिन एटलीस्ट जितना ये लोग कर सकते थे उतना इन्होंने किया, और यही रीजन बना कि ये लोग पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुए, ठीक है. अब ये जो मतलब चेंज थे ये स्लोली ऑकर हो रही थी. मैंने पहले ही बताया फैक्ट्रीज का आना, फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिश होना, इसमें इन्वेंशंस आना, ये सारे रैपिडली नहीं मतलब हो रही थी कि चलो फास्टली ग्रो होगी, नहीं, ये स्लोली प्रोसेस था. क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसमें यही चीजें होती थी कि एक्सपेंसिव होती थी, सेकेंड अगर ये ब्रोक डाउन होती मशीन तो इनको रिपेयर करना काफी कॉस्टली हो जाता था, एंड इन्वेंटर जो होते थे उनको पता भी नहीं होता था कि इसको रिपेयर करना कैसे है.
ठीक है, या अगर हम बात करें स्टीम इंजन्स की, ठीक है, जो स्टीम इंजन्स जो जिसमें कोल वगैरह लगता है और वो स्टीम प्रोड्यूस करता है, और स्टीम से ये लोग फिर अलग अलग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. तो पहले जो स्टीम इंजन का जो कॉन्सेप्ट बेसिकली वो न्यूकॉन मैन ने दिया था. अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि पहला आइडिया किसका था स्टीम इंजन प्रोड्यूस करने का, तो वो न्यूकॉन मैन, ठीक है, न्यूकॉन मैन. उसके बाद इसी के आइडिया को पेंटेड, यानी पेंटेड का मतलब है आइडिया किसी और का था, फिर बनाया किसी और ने, वो थे जेम्स वॉट. उन्होंने इम्प्रूव किया स्टीम इंजन को, बनाया, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ. एक इंडस्ट्रियल फ्रेंड था जिनका नाम था मैथ्यू बॉल्टन, ठीक है. इन्होंने मैन्युफैक्चर किया एक नया मॉडल, ठीक है. अब ये जो स्टीम इंजन था फैक्ट्रीज के अंदर, ये स्टीम इंजन काफी कुछ मतलब प्रोवाइड कर सकता था. अलग अलग मशीनरी हो सकती थी, अलग अलग पावर रिसोर्सेज ये लोग ला सकते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे फैक्ट्रीज के अंदर. लेकिन ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था कि बहुत सारे साल तक इनको कोई बायर नहीं मिला कि कोई इनको खरीद सके वो स्टीम इंजन, ठीक है. फिर हमने देखा मतलब पूरे इंग्लैंड में लगभग 321 स्टीम इंजन्स थे. यानी यहाँ पे ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है वो रैपिडली नहीं हो रही, स्लोली हो रही है. अब किसी के मतलब हाथ में है कि वो कोई चेंज ला सकता है, ठीक है, लेकिन सबके हाथ में नहीं है कि उस चेंज को वो अडेप्ट कर सके, ठीक है. मानो मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी इजाद कर सकती हूँ, कुछ भी ला सकती हूँ, लेकिन मैं कैसे ना और पद एक्सपोजर मिलूँ कि हाँ उस चेंज को वो सारे एक्सेप्ट कर सके, ताकि मैं जो मेरा फायदा है, जो मैं फायदा ढूंढ रही हूँ कि मेरी इस इन्वेंशन से इसका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा, वो फ्रूटफुल साबित हो सके, ठीक है. तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्यों हो रही थी मतलब स्लोली, क्योंकि मतलब सबको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. सेकंड थिंग, एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार भी नहीं थे, क्योंकि उनकी हालत वैसी नहीं थी, समझ आया. सबके पास पैसा नहीं था, एंड पैसा होने के साथ साथ सबके लिए ये जरूरी था कि नॉलेज होना, ठीक है. अगर हम इन्वेंशन ला रहे हैं, अगर हम मशीन ला रहे हैं, तो नॉलेज नहीं थी कि यूज कैसे किया जाए. अगर खराब हो जाए तो कोई मैकेनिक नहीं है इसको ठीक करना, और अगर मैकेनिक है तो उतने पैसे नहीं है कि इसको रिपेयर किया जाए, क्योंकि वो भी काफी कॉस्टली होता था. समझ आया लेक्चर? समझ आया? यस मैम. यस मैम. ओके गुड. किसी को कोई मैम ये आपने यहाँ पे बोला ना, वो पीछे पेज नंबर 3 पे ऊपर बोला ना आपने, जो वो थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने बायलिंस को फॉरगेट कर दिया. वो क्या थी वो बायलिंस, मैंने वो सुना नहीं अच्छे से. बायलिंस को फॉरगेट का मतलब, पहले ये लोग एक तरह के मानो एक गाड़ी चला रहे थे जिसके चार पहिए थे, उसमें कंट्री साइड के वर्कर्स भी काम करते थे और टाउन्स के वर्कर्स भी काम करते थे. लेकिन जब इन्होंने इन्वेंशंस की तो इन्होंने कंट्री साइड को पीछे छोड़ दिया, ठीक है. इनको मतलब ये दिमाग में नहीं था कि वो किस तरह प्रोडक्शन को मतलब इन्वेंट करेंगे, किस तरह प्रोडक्शन बढ़ाएंगे. ये सिर्फ इनका जो मतलब कंसंट्रेशन था वो सिर्फ मिल्स के ऊपर आया, सिर्फ फैक्ट्रीज के ऊपर आया कि किस तरह हम अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं. लेकिन रीजन ये हुआ कि वो जो इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज जो थे कंट्री साइड पे जो थे, वो पीछे नहीं रहे, क्योंकि सारे अफोर्ड नहीं कर सकते थे मिल्स, या सारे अफोर्ड नहीं कर सकते थे बड़े बड़े मशीन. समझ आया? मैम यस मैम. ओके गुड. किसी और को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? मैम आपने क्या बोला था, डायनामिक इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? जी बेटा. मैम आपने बोला था ना डायनामिक इंडस्ट्रीज, वो कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? डायनेमिक इंडस्ट्रीज का मतलब यहाँ पे था कि ये जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी या जो स्टील की इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, तो ये लोग चेंज हो रही थी. टेक्सटाइल्स, जैसे कॉटन की इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल्स कपड़ों की इंडस्ट्री, वो डायनेमिक थी. यानी उसमें थोड़ा बहुत चेंज तो आया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो रिप्लेस होती गई. यहाँ पे लोगों की जो डिमांड थी वो सिर्फ मैनुअल थी, कि हाथ से बना हुआ कपड़ा होना चाहिए. समझ आया? यानी उसमें थोड़ी बहुत चेंज तो आ गई, थोड़ी बहुत स्मॉल इन्वेंशन तो आ गए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह रिप्लेस हो गए. समझ आया? यस मैम. सो कल हमारा टॉपिक होने वाला है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, ठीक है. अब हम देखेंगे हाथ से जो मतलब मजदूरी कर रहे थे या जो ये स्टीम इंजन आए, इसके बीच में क्या क्या मतलब एक कंट्राडिक्शन देखने को मिला, कि प्रोडक्शन किसकी ज्यादा हुई, हैंड लेबर की हुई या उन फैक्ट्रीज की हुई जिनमें अब स्टीम इंजन वगैरह
अवेलेबल है. आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको पेज नंबर 85 पे सोर्स ए वाला कॉलम आपको पढ़ना है. ठीक है? ओके मैम. ओके ओके मैम. ओके मैम. क्लासेस नाउ.